बुलढाणा जिले के शेगांव में संत गजानन महाराज संस्थान के विश्वस्त कर्मयोगी शिवशंकर भाऊ पाटिल का बुधवार शाम 5 बजे निधन हो गया। वे 82 वर्ष की थी। विगत 3 दिन से मल्टी ऑर्गन फेल्योर के चलते उनकी हालत बिगड़ गई थी। लो ब्लड प्रेशर की तकलीफ के कारण उन्हें ऑक्सीजन लगाई गई थी। घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। शाम 7:30 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके पश्चात परिवार में 2 बेटे 3 बेटियां पत्नी नाती पोते तथा भरा पूरा परिवार है। सायंकाळी संत गजानन महाराज संस्थानचे प्रमुख आपले सर्वांचेच आदरणीय असणारे आदरणीय शिवशंकर भाऊ यांचं 5:30 वाजता दुःखद असं निधन झालं। काही दिवसापासून ते आजारी होते। आदरणीय शिवशंकर भाऊंनी खऱ्या अर्थानं शेगावचे आपले संत गजानन महाराज यांचं नाव आणि कार्य जगामध्ये पोहोचवण्याचं काम मागील अनेक वर्षामध्ये सातत्याने केलं। शेगावच नाही तर महाराष्ट्रातल्या पंढरपूर असेल, त्र्यंबकेश्वर असेल, मध्य प्रदेशमध्ये असेल, या अनेक ठिकाणी संत गजानन महाराजांचं वास्तव्य ज्या ज्या ठिकाणी झालं त्या त्या ठिकाणी संत गजानन महाराजांचे मंदिरं आणि त्या मंदिराच्या माध्यमातून गोरगरिबांची सेवा करण्याचं काम माननीय शिवशंकर भाऊंच्या माध्यमातून मागील अनेक वर्षांमध्ये झालं हे तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे। भाऊने जीवनभर आयुर्वेदिक उपचार प्रणाली को अपनाया है, इसलिए उनके इलाज में आयुर्वेद विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया था। पिछले 6 माह से वे बीमार चल रहे थे। इस दौरान उन्हें हल्का दिल का दौरा भी पड़ा था।